नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान बारिश और ठंड ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे के वही कर्मचारी जो कि सैकड़ों लोगों की जान की हिफाजत करने में ठंड और बारिश के बीच जुटे हुए हैं। जबलपुर मंडल के DRM संजय विश्वास अचानक ही ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए जबलपुर से नरसिंहपुर तरफ निकल गए। उन्होंने देखा कि बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच रेलवे ट्रैकमैन और गैंगमैन अपने काम को मुस्तैदी से कर रहे हैं। इस दौरान DRC संजय विश्वास ने न सिर्फ रेलवे कर्मचारियों को शाबाशी दी, बल्कि बारिश और ठंड के बीच काम कर रहे इन कर्मचारियों के कर्तव्य पर गर्व भी महसूस किया। जानकारी के मुताबिक DRM संजय विश्वास जबलपुर के करेली तक के ट्रैक तक जगह जगह रुककर ट्रैक की रखवाली करने वाले कर्मचारियों को देख रहे थे। DRM संजय विश्वास ने इस दौरान कहा है कि हमें गर्व महसूस होता है जब हमारे विभाग के कर्मचारी अत्यधिक ठंड पड़ने के बावजूद भी अपने काम का निर्वहन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अधिक ठंड पड़ने पर रेल की पटरियां सिकड़ जाती है और फैलकर फ्रैक्चर का रूप ले लेती है, जिसके कारण कई बार रेल दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए रेलवे के ट्रैकमैन और गैंगमैन मील का पत्थर साबित होते हैं। वहीं रेलवे के ट्रैकमैन और गैंगमैन अचानक से ही अपने मंडल मुखिया को सामने पाकर बहुत ही खुश हुए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।